गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में लेसन 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेसन 4 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन लेसन 5 जो है हमारा वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे लेसन 6। लेसन 6 का नाम है असम। असम असम स्टेट है, इसके बारे में सभी ने सुना होगा। इसकी जो डिटेल है वो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। असम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम इज मीन्स है, एक एक स्टेट मीन्स राज्य, लोकेटेड स्थित है इन द नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी पार्ट मीन्स भाग ऑफ इंडिया। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इट इज यह है सिचुएटेड स्थित जस्ट ब्लो बिल्कुल नीचे द ईस्टर्न हिमालय फुटहिल्स, यानी कि ये जो राज्य असम राज्य है ये हिमालय की जो पूर्वी हिमालय है उसके बिल्कुल नीचे जो पहाड़ियां हैं उसमें स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय जो राज्य हैं इनसे घिरा हुआ है। विच टूगेदर जिसके साथ विद असम, यानी कि इन सब के साथ असम को जोड़ दिया जाए तो आर नॉन जाना जाता है एज द सेवन सिस्टर, सात बहनों के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? असम को। असम को अगर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के साथ जोड़ दें तो इन सब स्टेट्स को मिला के हम क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर, सात बहने। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर एक जगह है, इज मीन्स है द कैपिटल राजधानी ऑफ असम। दिसपुर असम की राजधानी है। असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम स्टेट का नाम है, इज मीन्स है ए ए लैंड जगह भूमि है, फुल भरी हुई है, ऑफ का की जो भी आवाज आती है प्रीपोजिशन है, नेचुरल प्राकृतिक और ब्यूटी सुंदरता। असम जो जगह है वो एक प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई जगह है। इट हैज ब्लू हिल्स, ब्लू हिल्स नीली पहाड़ियां हैं, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल हैं, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर घने जंगल हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से भरे हुए, विद रिवर्स बड़ी बड़ी नदियां हैं एंड फर्टाइल वैलीज और उपजाऊ घाटियां हैं। ये जो जगह है जैसे नीली पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं और जहां फर्टाइल यानी उपजाऊ घाटियां हैं वो सब असम में है। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। असम भारत का सबसे अधिक चाय उगाने वाला, चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोस थ्रू असम, जो महान नदी है ब्रह्मपुत्र वो असम से होकर गुजरती है या असम से ही बहती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि इज है द मेन मुख्य ऑक्यूपेशन व्यवसाय हेयर, यहाँ का एग्रीकल्चर मतलब कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, यानी कि कृषि जो है वो असम का मुख्य व्यवसाय है। राइस, फ्रूट्स, जूट, सुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर कल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। राइस चावल, फ्रूट्स फल, जूट सुगर कैन गन्ना और जो चाय है यहाँ के मुख्य कृषि उत्पादन है। असम राज्य के जो कृषि मुख्य कृषि उत्पादन है वो चावल है, फल है, जूट है, गन्ना है और चाय है। द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट ऑफ टी। जो ये राज्य है वो विश्व में जितनी चाय का उत्पादन किया जाता है उसका जो आधा भाग है वो असम में ही उत्पादन किया जाता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोयल एंड लाइमस्टोन। द स्टेट राज्य इज है ऑल्सो वी रिच मीन्स धनी
इनमें नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है जैसे तेल, गैस, कोयला और जो चूना पत्थर होता है, उन सब में भी ये राज्य धनी है। यानी कि इस राज्य में गैस, तेल, कोयला और जो चूना पत्थर है, उन सब की भी प्राकृतिक संसाधनों से ये भरा हुआ है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। द ट्रेडिशनल पारंपरिक क्राफ्ट जो शिल्पकारी होती है, लाइक जैसे पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाना एंड और टेराकोटा जो टेराकोटा वर्क होता है, कार्य होता है, ब्रास पीतल का जो क्राफ्टिंग का काम होता है सिल्क का, ज्वेलरी मेकिंग आभूषण बनाना, बांबू क्राफ्ट बांस के शिल्पकारी करना, सिल्क जो सिल्क है और कॉटन वीविंग रेशम की और सूत की बुनाई करना, और वुड क्राफ्ट और जो लकड़ी के क्राफ्ट होते हैं शिल्पकारी होते हैं यहाँ के मुख्य ऐसे स्रोत हैं जिनसे लोग स्वयं का रोजगार प्राप्त करते हैं। असम में बहुत से ऐसे और भी काम होते हैं जिससे लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि उन्होंने स्वयं का स्वरोजगार बनाया हुआ है। असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। असम, अब तक तो हमने जाना कि यहाँ पे क्या क्या एग्रीकल्चर का क्या क्या काम होते हैं, अब उसके बाद उससे भी अलग जो फेमस है असम किसके लिए फेमस है, और जैसे असम है इस मीन्स है ऑल्सो वी फेमस प्रसिद्ध फॉर इट्स नेशनल पार्क, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके लिए भी असम प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, जो एक जंगल का बहुत बड़ा भाग होता है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, और जो गवर्नमेंट होती है यानी कि सरकार होती है वो इन पार्कों की, इन उद्यानों की देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ का प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। डायनासोर, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड द इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन द काजीरंगा। गेंडे, हाथी, तेंदुआ और जो इंडियन बाइसन यानी जंगली भैंसा होता है वो यहाँ के मुख्य जानवर है जिन्हें आप काजीरंगा पार्क उद्यान में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, ए कार और अ मिनी बस इन टू द फॉरेस्ट टू सी दीज विल्ड एनिमल्स। यू कैन गो, यू मीन आप कैन सकते हो, जा सकते हो, गो का मतलब इन एन ओपन जीप, आप एक खुली जीप में, कार में या एक छोटी बस में इन जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल में जा सकते हो। इफ यू लाइक, यदि आप चाहो तो यू कैन ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब यात्रा कर सकते हो। यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, यदि आप चाहो तो एक हाथी की पीठ पर बैठकर भी जंगल की यात्रा कर सकते हो। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और असमीज। द पीपल ऑफ असम, असम के जो लोग हैं स्पीक बोलते हैं असमिया और असमीज, यानी कि जो असम के लोग हैं वो असमिया भाषा और असमीज में बोलते हैं। असमिया और असमीज अलग नहीं है, एक ही है। असम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम फेस्टिवल्स त्योहारों की भूमि भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। विहू इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल। इतने त्योहार मनाए जाते हैं उनमें से एक विहू फेस्टिवल है जो असम का प्रसिद्ध पर्व है। इट इज सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियंस, सभी धर्मों से लोग टेक पार्ट भाग लेते हैं इन द सेलिब्रेशन, इन समारोहों में सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहू जो
सेलिब्रेशन होता है व्यू फेस्टिवल का, उसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ, और जो ये सेलिब्रेशन है, समारोह है, वो पूरे एक महीने चलता है। यंग मैन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। यंग मैन एंड वुमेन, युवा पुरुष और महिलाएं नियमित पहनती हैं गोल्ड स्वर्ण कलर्ड रंग के ड्रेस, सिल्क ड्रेस, रेशमी परिधान पहनती हैं जिसका रंग होता है वो सुनहरे कलर का। रेशमी परिधान पहनते हैं जो युवा पुरुष और महिलाएं हैं, एंड डू और करती हैं अ स्पेशल डांस, एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं कॉल्ड बिहू डांस, जिसे बिहू नृत्य कहा जाता है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बोट नाव रेसेस मतलब दौड़, नौका दौड़ हेल्ड की जाती है ड्यूरिंग बिहू, जो बिहू समारोह चलता है उसके दौरान नौका दौड़ भी की जाती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सी टीमें इन रेसों में, इन दौड़ों में भाग लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत सी संख्या में लोग वॉच देम, उन्हें देखते हैं। फ्रॉम द रिवर बैंक्स, नदी के किनारों पर खड़े होकर बहुत से लोग उन्हें देखते हैं। तो ये असम के बारे में था ये चैप्टर, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो एक्सरसाइज वर्क है, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वो आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिए जाएंगे।